नमस्कार दोस्तों, सीको.ऑनलाइन क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि दोस्तों अपना रीजनिंग में टॉपिक चल रहा था क्यूब एंड डाइस, रीजनिंग में कौन सा टॉपिक चल रहा था क्यूब एंड डाइस, जिसमें दोस्तों हम लोग डाइस वाला जो पार्ट था उससे हम लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं। क्योंकि डाइस से संबंधित अपनी 3 क्लासें हो चुकी हैं और उन 3 क्लासों में डाइस से संबंधित जो क्वेश्चनों का लेवल था और निकालने का जो कॉन्सेप्ट था वो बहुत ही अपना अच्छा था। यदि किसी ने वो क्लासें नहीं देखी हैं तो सबसे पहले आप वो क्लासेस जरूर देख लेना। और आज की क्लास में दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं क्यूब। आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, क्यूब यानी कि कोई घन, ठीक है। तो घन को यदि हम घन की विपरीत सतहों को कलर किसी भी कलर से रंग दिया जाए, फिर उसे काट दिया जाता है तो उसके कितने टुकड़े होंगे और किस किस प्रकार से हम लोग उसे काट सकते हैं, तो ये हम लोग आज ही क्लास में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले तो घन के क्यूब के बारे में बेसिक डिटेल्स जान लेते हैं। जैसे ये अपना एक क्यूब दिख रहा है आपको 3D आकृति में, कौन सी आकृति में, 3D आकृति में एक आपको क्या दिख रहा है, क्यूब दिख रहा है, घन दिख रहा है। तो सबसे पहले ये जानना है कि एक घन में फेस यानी कि सतह कितनी होती है। तो दोस्तों ध्यान देना अच्छे से, ये जैसे एक घन मान लेता हूं मैं, ये क्या एक अपना घन है। अब हमें ये जानना है कि इसमें फेस मतलब सतह कितनी होती है। तो सतह काउंट करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो एक घन में फेस यानी कि फ्लक कितने होते हैं दोस्तों, 6। तो फेस या सतह कितनी होती है, 6 होती है, ठीक है। बात करूं मैं किसकी, अब कॉर्नर्स यानी कि कोनों की बात करूं तो ध्यान देना कोने कितने होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 यानी कि कोने कितने होते हैं मेरे दोस्तों, 8 होते हैं। और सतह या फलक कितनी होती है, 6 होती है। कोने कितने होते हैं, 8। चेक करेंगे 1, 2, 3, 4, 4 ऊपर हैं तो 4 कोने कहाँ हैं, नीचे। तो कोने कितने आए टोटल, 8। बात करता हूँ मैं किनारों की, किसकी बात करें, किनारे या भुजाएं। तो दोस्तों ये अपना एक क्या है, क्यूब है। हम बात करेंगे इसमें भुजाएं टोटल कितनी है, देखो ध्यान दो भुजाएं कितनी है, 1 ये भुजा है, 2, 3, 4, 4 भुजा ये है और 4 देखो ऊपर है, 1, 2, 3, 4, 4 ये है और 4 कहाँ अपनी, नीचे। तो दोस्तों टोटल भुजाएं कितनी हुई अपनी, टोटल भुजाएं कितनी हुई अपनी, 12। टोटल भुजाएं कितने हुई, 12, यानी कि किनारे कितने हुए टोटल, 12। तो दोस्तों ये चीज आपको अच्छे समझ में आ गई होगी कि एक क्यूब में, एक घन में सतह 6 होती हैं, कोने 8 होते हैं, किनारे कितने होते हैं, 12। तो दोस्तों ये वाले ही किसमें होते थे, अपना जो डाइस पड़ा था उसमें भी तो सेम ही था, डाइस में भी सतह कितनी होती थी, 6, कोने कितने होते थे, 8 और किनारे कितने होते थे, 12। ये भी क्या था, डाइस में भी सेम ही था और क्यूब में भी अपना क्या है, सेम ही है, ठीक है। अब बात करते हैं कि एक घन को कितनी प्रकार से काटा जा सकता है। तो ध्यान देना दोस्तों, एक घन को हम कितनी प्रकार से काट सकते हैं, 2 प्रकार से काट सकते हैं। तो देखते हैं हम लोग कैसे काट सकते हैं। हाँ तो दोस्तों अब हम देखने वाले हैं घन काटना, यानी एक घन को कितनी प्रकार से काटा जा सकता है। तो दोस्तों एक घन को कितनी प्रकार से काटा जा सकता है, 2 प्रकार से काटा जा सकता है, ध्यान रखना। एक घन को कितनी प्रकार से काटा जा सकता है या 2 प्रकार से या 2 तरीकों से काटा जा सकता है, ठीक है। सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि जो एक घन होता है उसकी प्रत्येक सतह अपने स्थान पर क्या होती है, एक वर्ग होती है। एक घन की प्रत्येक सतह अपने स्थान पर क्या होती है, एक वर्ग होती है, ठीक है। आप 2 प्रकार से काट सकते हैं, तो ध्यान देना। जैसे मैं ये घन है, ठीक है, आपको ये घन दिख रहा है, क्यूब दिख रहा है भाई, ठीक है। अब इसकी एक सतह उठा लेता हूं मैं और भाई पूरे घन को ना काटकर मैं आपको एक सतह को काटकर बता देता हूं, ठीक है। एक सतह का मतलब एक वर्ग को काटकर मैं बता देता हूं। ये वर्गाकार आकृति मैंने यहां पर बनाया, ठीक है, ध्यान देना सब लोग अच्छे से। और एक वर्गाकार आकृति मैंने इधर बना दी, अब इसको काट के बताता हूं मैं। सपोज करो हमें इसमें कितनी काट लगानी है, इसमें हमें लगानी है दोस्तों 2 काट लगानी है। कितनी काट लगानी है, 2 काट मारनी है हमें, कितनी काट मारनी है, 2। तो देखो 2 काट में से सीधा मार देता हूं, 2 काट मार दी, तो बताओ इसमें कितने टुकड़े आए, 1, 2 और 3। 2 काट मारी तो दोस्तों कितने टुकड़े आए, 3 टुकड़े निकलकर आपके सामने आए। बात करते हैं 2 काट मैंने मारी, यदि ये 2 काट ऐसे सीधे मारते हैं तो एक परतें आ जाती है, 1, 2 और 3, 3 सतह 3 परत हो गई अपनी अलग अलग, ठीक है। अब ये 2 काट यदि मैं ऐसे मार दूं, एक काट इधर से और एक काट इधर से मार दूं, क्रॉस काट भी तो मार सकते हैं। देखो यदि 2 काट में ऐसे मारता हूं तो कितने टुकड़े निकल कर आ रहे हैं, 3। यदि यही 2 काट में ऐसे मारता हूं तो कितने टुकड़े निकल कर आते हैं, 1, 2, 3 और 4।
तो बताओ कितने टुकड़े निकल कर आए, चार टुकड़े। तो वैसे आपको ये ध्यान रखना है, यदि आप ऐसे सीधी काट मारते हो तो बराबर टुकड़े तो इधर भी आने वाले हैं, बराबर टुकड़े ही इधर आने वाले हैं, लेकिन ऐसे सीधी काट मारते हैं सारी तो यहाँ पे मिनिमम टुकड़े निकल कर सामने आएंगे, और ऐसे काट मारेंगे तो अपने मैक्सिमम टुकड़े होंगे, ध्यान रखना, ठीक है। अब बात करते हैं देखो आगे, जैसे मैं एक और लेता हूँ यहाँ पे, ये एक वर्गाकार आकृति और मैंने बनाई। यदि इस प्रकार से काटूं मैं इसे, और मेरे को तीन काट मारनी है, कितनी काट मारनी है अबे, तीन काट मारनी है इस प्रकार से, फर्स्ट प्रकार से मैं काटना है और तीन काट मारनी है, तो सीधी तीन काट मारेंगे, एक दो और तीन। बताओ तीन काट मारे तो टुकड़े कितने आए, एक दो तीन और चार, यानी कि तीन काट मारते तो कितने टुकड़े आ रहे हैं, चार काट आ रहे हैं, चार टुकड़े आ रहे हैं, और तीन दो काट मारते तो कितने टुकड़े आ रहे हैं, तीन। समझ में आया, दो काट मारे हैं तो तीन निकल कर आ रहे हैं, और तीन काट मारे हैं तो चार टुकड़े निकल कर सामने आ रहे हैं। ये तो हमने काटा एक वर्गाकार आकृति को, अब देखो हम एक क्यूब को काटते हैं, घन को काट कर देखते हैं। हाँ तो दोस्तों से अभी हमने एक वर्गाकार आकृति को काट कर देखे थे, ठीक है, अब हम लोग इस क्यूब को काट कर देखते हैं, ठीक है, और फर्स्ट तरीके से काट कर देखते हैं। जैसे हमें कितनी काट मारनी है, जैसे हमें दो काट मारनी है, कितनी काट मारनी है दोस्तों, दो, ठीक है, तो इसकी दो काट मारनी है, तो सीधा देखो मैं ऐसे दो काट मार देता हूं, एक और ये हो गई अपनी दो, ठीक है, दो काट मारा तो बताओ कितने टुकड़े निकल कर सामने आएंगे, बस दो सीधी मार दी मैंने ऐसे लेयर के रूम में, तो एक टुकड़ा तो ये निकल कर सामने आएगा, एक इधर वाला और एक बीच वाला, टोटल कितने टुकड़े निकल गए, जब दो काट मारा हूं, दो काट मारा हूं तो टुकड़े कितने आ रहे हैं, तीन आ रहे हैं, काउंट कर लो, एक दो और तीन, कितने टुकड़े निकल कर सामने आ रहे हैं, तीन, और तीनों क्या है, बराबर, ठीक है। यदि मैं यहाँ पे दो काट ना मारकर तीन काट मार दू तो ध्यान देना भाई, तीन काट मारे तो ध्यान देना अच्छे से, एक, ठीक है, दो, और ये हो गई अपनी कितनी काट, तीन काट, तो तीन काट मारा तो टुकड़े कितने निकल कर आए सामने, काउंट करो भाई, तीन काट मारता हूं तो एक दो तीन और चार, यानी तीन काट मारता हूं तो बराबर कितने टुकड़े निकल कर आए, चार टुकड़े भाई, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे इस ऊपर की सतह को काट कर देख लेते हैं, ऊपर की सतह एक वर्गाकार आकृति है, ठीक है, इसको काट कर देखते हैं, अब कितने तीन मार दिए, यदि मैं यहाँ चार काट मार दूं तो, एक दो तीन और चार, चार काट मारो तो कितने टुकड़े आने वाले हैं, काउंट करो, एक दो तीन चार और पांच, यानी कि चार काट मारेंगे तो दोस्तों टुकड़े कितने आने वाले हैं, पांच आने वाले हैं। तो बताओ यदि यहां पे छह काट मारूं तो कितने टुकड़े, छह काट मारूं तो कितने टुकड़े निकल कर सामने आएंगे, सात। समझ में आया, अब बात करता हूं एन काट मारा तो कितने टुकड़े आएंगे, भाई जितनी काट मारते हैं पांच तरीके में होता क्या है, जितनी भी काट मारते हैं उससे एक अधिक टुकड़ा निकल कर सामने आते हैं, ठीक है, तो छह काट मारेंगे तो सात, आठ मारेंगे तो नौ, ठीक है, और सौ काट मारेंगे तो 101 टुकड़े निकलकर सामने आएंगे, तो यहां n काट मारेंगे तो कितने टुकड़े आएंगे, n प्लस 1 टुकड़े निकलकर सामने आएंगे। तो दोस्तों फर्स्ट तरीका आपको समझ में आया कि नहीं, फर्स्ट जो प्रकार था एक क्यूब को या घन को काटने का वो आपको समझ में आ गया होगा कि सीधी पड़ते इसमें निकलकर सामने आती है और सीधी काट मार दो, जितनी मारनी होती है उतनी मार दो। अब सेकंड प्रकार देखते हैं हम लोग। हाँ तो दोस्तों फर्स्ट प्रकार से हमने देख लिया कि घन काटना फर्स्ट प्रकार से कैसे काट सकते हैं, ठीक है, अब सेकंड प्रकार से देखते हैं। तो सेकंड प्रकार में देखें हमें कितनी काट मारनी है, यहाँ पे हमें काट मारनी है दोस्तों, कितनी काट मारनी है, सपोज करो तीन काट मारनी है, ठीक है, तो तीन काट मारनी है। फर्स्ट प्रकार में तो क्या करते हैं हम लोग, ऐसे सीधी काट मार देते तीन, एक दो और तीन, तीन मार दिए। लेकिन सेकंड प्रकार से मैं क्या करता हूं, क्रॉस काट मारेंगे, कैसे काट मारेंगे, क्रॉस काट मारेंगे, तो क्रॉस काट का मतलब एक काट तो मैं ऐसे मार सकता हूं, ये लो एक काट तो मैंने ऐसे मार दी, ठीक है, और दूसरी काट में क्या करता हूं, एक काट ऐसे मार दी, ठीक है, कितनी काट हुई, दो काट हुई, एक काट मैंने ये मार दी ऐसे, तो तीन काट हुई कि नहीं भाई, ये तीन काट मैंने ऐसे मार दी, ठीक है, यानी कि अच्छी तरह से मार देते हैं, ये हो गई फर्स्ट काट अपनी, ये हो गई सेकंड काट अपनी, ये हो गई अपनी थर्ड काट, ठीक है, तीन काट मैंने मार दी तो ऐसे टुकड़े निकल कर सामने आए। तो बताओ कितने टुकड़े निकल कर सामने आए, कितने टुकड़े निकल कर सामने आए, ध्यान देना, इधर से अपने कितनी काट मारी है, इधर से हमने कितनी काट मारी भाई, एक काट, और इधर से भी कितनी काट, एक, और आगे भी कितनी, एक, यानी हमने एक एक तीन, इधर से एक काट मारी, इधर से एक, और इधर से एक, तीन काट मारी टोटल। तो यहाँ एक काट मारे तो टुकड़े कितने आए, दो,
यहाँ भी कितने टुकड़े हैं भाई, दो, और यहाँ भी एक काट मारे तो टुकड़े कितने आते हैं, दो। पस्त पकान पड़ा है ना, जितनी काट मारते उससे एक अधिक टुकड़ा आता है। तो बताओ टोटल टुकड़े कितने हुए, दो दुना चार और चार दुना आठ। टोटल टुकड़े कितने हुए भाई, आठ टुकड़े हुए। ध्यान देना अच्छे से, एक दो तीन और चार, यानी कि ये जो काट है ऊपर वाली इस परत में, इसमें आपने कितने टुकड़े आए, चार टुकड़े, और चार ही इस लेयर में होंगे तो टोटल कितने हो गए, आठ टुकड़े हो गए। समझ में आए ना भाई, चार टुकड़े इस लेयर में निकल कर आ रहे हैं और चार अपने इसमें, तो टोटल कितने हो गए, आठ टुकड़े निकल कर सामने आ रहे हैं। ये समझ में आया भाई, तीन काट मारते हैं तो कितने आ रहे हैं, आठ टुकड़े आ रहे हैं, और फर्स्ट प्रकार में तीन काट मारेंगे तो कितने टुकड़े निकल कर आएंगे, चार टुकड़े निकल कर सामने आएंगे। फर्स्ट प्रकार में तीन काट मारेंगे तो कितने टुकड़े, चार टुकड़े ही निकल कर सामने आएंगे। तो दोस्तों ये समझ में आ गए होगा, एक एग्जांपल और लेते हैं जैसे हम लोग। हाँ तो दोस्तों अब हमें इसमें माननी है दोस्तों कितनी काट मारनी है, जैसे छह काट मारनी है, कितनी काट मारनी है, छह काट मारनी है। तो बताओ फर्स्ट प्रकार से छह काट मारेंगे ऐसे सीधे परत के रूप में, ऐसे सीधे छह काट मारे, एक दो तीन चार पाँच छह, तो कितने टुकड़े निकल कर आएंगे, सात टुकड़े निकल कर आएंगे। लेकिन यही छह काट हम लोग क्रॉस वाइज मारे, जैसे इसमें मारते देखते हैं क्यूब है अपना ये, इसमें मारो छह काट, तो छह काट में क्या करता हूँ दोस्तों, दो काट तो ऐसे मार देता हूँ, एक और दो, दो काट तो मैंने ऐसे मार दिए इसमें, ठीक है, कितनी हुई, दो हो गई। अब दो काट में ऐसे मार देता हूँ यहाँ पे, एक और दो, दो काट मैंने ये मार दी, ठीक है, कितनी काट हुई, चार काट हो गई। दो मैं इधर से मार देता हूँ, एक और दो, तो टोटल कितनी काट हो गई भाई, छह काट हो गई ना, दो इधर से मारी मैंने, दो इधर से, दो इधर से, टोटल कितनी काट हो गई, छह, छह काट हुई, तो टोटल कितने टुकड़े आए, ध्यान देना। सेकंड तरीके से बता रहा हूँ क्रॉस वाइज काट मारने के बाद, तो ऊपर से कितनी काट मारी हमने, दो, ठीक है, दो हमने इधर से मारी, ठीक है, और दो काट हमने ऐसे मारी, तो टोटल कितने हो गई, छह काट हो गई। तो यहां यदि हमने दो काट मारी है तो इस तरीके में बताओ, दो काट मारी तो टुकड़े कितने आए होंगे, तीन आए, यहां दो काट मारी तो टुकड़े कितने आए, तीन आए, यहां दो काट मारी तो टुकड़े कितने आए, तीन। तो टोटल टुकड़े काउंट करना है तो इनको आपस में क्या कर देना, गुणा कर देना है, ठीक है, टोटल टुकड़े फाइंड करना हो तो इन टुकड़ों को आपस में क्या कर दो, सभी को गुणा, गुणा किया तो दोस्तों कितना आया, नौ नौती सत्ताईस। तो बताओ इस जो आपने काट मारने के बाद इसके टुकड़े होंगे वो टोटल कितने टुकड़े होने वाले हैं, सत्ताईस टुकड़े होने वाले हैं। और फर्स्ट प्रकार से काटेंगे तो कितने टुकड़े होंगे, ओनली सात होंगे, सीधे काटेंगे तो, ठीक है, सात। लेकिन ऐसे काट मारेंगे, ये छह काट उस रूम में मारेंगे सेकेंड प्रकार से, तो टोटल टुकड़े कितने आ रहे हैं, सत्ताईस आ रहे हैं। समझ में आया, देखो काउंट करते हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ और नौ, ठीक है, यानी कि नौ टुकड़े तो इस लेयर में, कितने टुकड़े, नौ, और नौ टुकड़े अपने इस लेयर में आ रहे हैं, ठीक है, और नौ टुकड़े आपके इस लेयर में आ रहे हैं, तो टोटल कितने हुए, नौ और नौ अठारह, और अठारह और नौ कितना हुआ, सत्ताईस। तो टोटल टुकड़े कितने आ रहे हैं भाई, सत्ताईस। तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि हम लोग दो प्रकार से काट मार सकते हैं, फर्स्ट प्रकार से काट मारेंगे तो कितने टुकड़े निकल कर सामने आएंगे, और सेकेंड प्रकार से काट मारेंगे तो कितने टुकड़े निकल कर सामने आएंगे। अब हम दोस्तों एक क्वेश्चन लेते हैं, दोस्तों एक घन को काटना हम लोग अच्छी तरह से सीख चुके हैं कि एक घन को कितने प्रकार से काटा जा सकता है, कैसे कैसे काटा जा सकता है। तो मैंने बताया कि एक घन को दो प्रकार से काटा जा सकता है, ठीक है, फर्स्ट प्रकार से जो काट रहे थे उससे क्या आते थे, घन के मिनिमम बराबर टुकड़े निकल कर सामने आते हैं, और सेकंड प्रकार से जो काट रहे थे, ठीक है, क्रॉस वाइज, उसमें क्या होता था, मैक्सिमम बराबर टुकड़े निकल कर सामने आ रहे थे, ठीक है। अब इन्हीं से रिलेटेड अपना एक पहला क्वेश्चन है, वो पहला क्वेश्चन ये, ध्यान देना, एक घन को 10 काट लगाने पर, या एक घन में 10 काट लगाने पर अधिक से अधिक बराबर टुकड़े और कम से कम बराबर टुकड़ों की संख्या क्या होगी। एक घन में 10 काट लगाने पर अधिक से अधिक बराबर टुकड़े और कम से कम बराबर टुकड़ों की संख्या क्या होगी, ये अपना क्वेश्चन है। तो दोस्तों ध्यान देना, सेकंड क्वेश्चन क्या आता है, मिनिमम टुकड़ों की संख्या। तो आपको बताया था ना कि सीधी काट मारते हैं ऐसे, कितनी सीधी काट मार देते हैं ऐसे, तो आपको कौन से टुकड़े निकल कर सामने आते हैं, मिनिमम ही तो आते हैं। तो इसमें बताओ 10 काट मारूंगा मैं, कितनी काट मारूंगा 10, तो बताओ टुकड़े कितने आने वाले हैं, 11। आपको अच्छे से बताए, एक टुकड़ा ज्यादा आता है, तो ये आ गए मिनिमम बराबर टुकड़ों की संख्या कितनी आएगी, 11 आएगी, जब कितनी काट मारेंगे, 10 काट मारेंगे, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन ये था कि 10 काट लगाने पर अधिक से अधिक बराबर टुकड़ों की संख्या क्या होगी, काट कितनी मारनी है हमें, 10 काट। तो 10 काट मैं क्या करता हूं,
ऊपर से कितनी कार्ड लगा देता हूँ मैं, इधर से कितनी कार्ड लगा दूँ, तीन कार्ड इधर से लगा देता हूँ और तीन इधर से लगा देते साइड से और तीन ऊपर से लगा देते चार, तो टोटल कितनी हो गई, चार और तीन सात, सात और तीन दस, यानी दस कार्ड मार दी मैंने, ठीक है। और मैं क्या कर सकता हूँ, यही दस कार्ड कैसे मार सकता हूँ, यही दस कार्ड मैं ऐसे भी मार सकता हूँ दोस्तों, ध्यान देना, यानी इधर से मैं कितनी कार्ड मार सकता हूँ, पांच मार दूं, फिर दो मार दूं और फिर कितनी, पांच और दो सात और एक तीन मार दूं, तो कितनी हो गई, दस हो गई। और क्या कर सकता हूँ मैं, यही दस कार्ड क्या कर सकता हूँ भाई, ऐसे भी तो मार सकता हूँ, ध्यान देना, छः ठीक है, दो और दो, ऐसे भी मार सकता हूँ, दस कार्ड हो गई, छः दो आठ, आठ दो दस। अब ध्यान देना, ये कांटे मारते हैं, तीन कांट मार देता हूँ मैं इधर से पहले, और इधर से भी कितनी मारनी है हमें, तीन कांट मार देता हूं, ठीक है, ये तीन कांट मैंने इधर से मार दी, और इधर से कितनी कांट मारनी है अपनी, ये चार कांट मारनी है, तो चार कांट इधर से मार दो भाई, एक दो तीन और ये चार कांट मार दी, ठीक है, ये चारों कांट अपनी ऊपर जाएंगी सीधी, ठीक है। अब देखो ये मैंने काट मारी, तो बताओ इसमें टोटल टुकड़े कितने निकल गए, बता सकते हम लोग, इधर से कितनी काट मारी थी हमने, तीन काट मारी, तो टुकड़े कितने आएंगे, चार, ठीक है, इधर से आगे मैंने तीन मारी तो टुकड़े कितने, चार, इधर चार काट मारी तो टुकड़े कितने, पांच, तो बताओ टोटल टुकड़े कितने आए, पांचों का बीस और बीसों का अस्सी, यहां तो कितने टुकड़े निकल कर आ रहे हैं, अस्सी टुकड़े निकल कर आ रहे हैं। यदि मैं इधर से पांच काट मारूं, इधर से दो मारूं, इधर से कितनी मारूं, तीन, तो बताओ पांच काट मारूंगा तो टुकड़े कितने आएंगे, छह, दो मारूंगा तो तीन और तीन मारूंगा तो चार, तो टोटल टुकड़े कितने हुए, छत्तीस अठारह और अठारह चौक बेहतर, बेहतर टुकड़े यहाँ निकल कर आए, ठीक है भाई। इधर देखो यहाँ यदि मैं छः काट मारता हूँ तो छः काट मारूंगा तो सात, दो मारा तो तीन, फिर दो मारा तो तीन, तो कितना है भाई, तीन तिया नौ और नौ संते तिरसठ, यहाँ कितने टुकड़े निकल कर आ रहे हैं भाई, तिरसठ टुकड़े निकल कर सामने आ रहे हैं। तो बताओ मैक्सिमम टुकड़े कहाँ निकल कर आए, मैक्सिमम टुकड़े यहाँ अस्सी अपने यहाँ निकल कर आए हैं, ठीक है, मैक्सिमम टुकड़े कहाँ निकल कर आए, यहाँ पे तो आए भाई, यहाँ अस्सी आ रहे हैं, यहाँ सेवेंटी टू आ रहे हैं, यहाँ कितने आ रहे हैं, सिक्सटी थ्री आ रहे हैं, तो मैक्सिमम तो यही होगा, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, अधिक से अधिक बराबर टुकड़ों की संख्या कितनी होगी, अस्सी होगी, ठीक है। अब आपको ये डाउट हो रहा होगा कि सर एग्जाम में हम ऐसे टुकड़े कर देखेंगे तो हमें काफी टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों फर्स्ट बात तो यह कि आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा टुकड़े करना, दूसरी बात यह है कि आपको टुकड़े इस हिसाब से करना है, जो आप ये काटों की जो काट है ना, ये भाई तीन तीन और चार ये काट आप लगा रहे हो, इन काटों में जो अंतर है ना सबसे कम होगा, इन काटों में अंतर सबसे कम होगा उतने ही टुकड़े क्या जाएंगे अपने, ज़्यादा जाएंगे। तो ये करना है कि कांटों का जो डिफरेंस है वो देखना हमें, ठीक है, यहाँ डिफरेंस कितना है, जीरो, यहाँ कितना है, एक, यहाँ कांटों में कितना डिफरेंस है, देखो पाँच और दो अंतर करें तो कितना है, तीन, यहाँ कितने का डिफरेंस है, एक, यहाँ देखो छः और दो ये काट अपनी कितने का डिफरेंस, चार का, यहाँ कितने का, जीरो का, तो बताओ सबसे कम डिफरेंस का है, यहाँ चार का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ तीन का आ रहा है, सबसे कम तो यही है भाई, एक का आ रहा है, ठीक है। जहाँ कांटों में अंतर सबसे कम होता है, जहाँ कांटों में अंतर सबसे कम होता है वहां पे टुकड़ों की संख्या हमेशा मैक्सिमम आते हैं, इतना ध्यान रखना, जहां भी कांटों का डिफरेंस आप सबसे कम रखोगे उतने ही टुकड़ों की संख्या क्या आएगी अपनी, अधिक आएगी, ठीक है। दोस्तों एक क्वेश्चन और लेते हैं, जैसे ध्यान दो। हाँ तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने यह है, एक घन में 12 काट लगाने पर, एक घन में 12 काट लगाने पर अधिक से अधिक बराबर टुकड़ों की संख्या क्या होगी और कम से कम बराबर टुकड़ों की संख्या क्या होगी, यानी आपको ये पूछ रहा है कि मैक्सिमम बराबर टुकड़े कितने होंगे 12 कार्ड लगाने पर और मिनिमम बराबर टुकड़े कितने होंगे। तो सेकंड क्वेश्चन क्या था अपना, मिनिमम बराबर टुकड़े, तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर सबको आ गया होगा भाई, 12 कार्ड लगा रहे हैं, 12 कार्ड लगा रहे हैं तो मिनिमम टुकड़े कितने आने वाले हैं, 12 से एक ज्यादा मतलब 13 टुकड़े अपने आने वाले हैं। बताओ यहां तक तो किसी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कितने टुकड़े आए, 13। तो सेकंड क्वेश्चन का तो अपना आंसर आ गया कि 12 कार्ड लगाएंगे तो मिनिमम कितने टुकड़े हो सकते हैं, 13 टुकड़े हो सकते हैं। बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की, फर्स्ट क्वेश्चन क्या था कि अधिक से अधिक बराबर टुकड़े, काट कितनी माननी है मेरे दोस्तों, 12 काट, काट कितनी माननी है, 12 काट, ध्यान देना
12 काट मारनी है, तो ये काट यदि मैं इस रूम में मार दूं, ध्यान देना अच्छे से, ऊपर से मैं कितनी काट मार दूं, यानी 4 मार दूं, फिर 4 मार दूं, फिर 4, 12 काट हो गई, 4, 4, 8 और 4, 12, और ये 12 काट मैं किस रूम में और मार सकता हूं भाई, यही 12 काट मैं ऐसे भी तो मार सकता हूं भाई, ध्यान देना अच्छे से, 6 मार दूं एक साइड से, ठीक है, एक साइड से मैं 3 मार दूं, और फिर से मैं कितना मार दूं, 3, टोटल कितनी हो गई, 12, और क्या कर सकता हूं मैं, 12 काट, यही 12 काट मैं क्या कर सकता हूं, ऐसे भी मार सकता हूं मेरे दोस्तों, ध्यान देना अच्छे से, यानी कि 5, ठीक है, 3 और कितना, 4, ऐसे मार सकते हैं हम लोग काट, कोई दिक्कत नहीं। अब देखना आपको यह है कि अधिक से अधिक टुकड़े कहाँ निकल कर आ रहे हैं, ध्यान देना भाई अच्छे से, यहाँ 4 मारी, यहाँ 4, यहाँ 4, टोटल कितनी काट हो गई, 12, तो 12 काट में यहाँ पे 4-4 मार देता हूँ, पहले इधर मार देते हैं, 1, 2, 3 और ये हो गई 4 काट, ठीक है, ध्यान देना भाई, ये 4 काट मैंने ऊपर से मार दी, अब 4 काट मुझे कहाँ से मारनी थी, इधर से भी 4 ही मारनी थी, 1, 2, 3 और ये हो गई अपनी 4, ठीक है, सब लोग ध्यान देना भाई अच्छे से, समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा है तो वीडियो को एक बार दोबारा रिवाइज करके देख सकते हो, 4 काट इधर से मारनी है हमें, 1, ठीक है, 2, 3 और ये हो गई अपनी 4 काट, ये 4 काट अपनी ऐसे कैसे कहाँ चली जाएंगी, ऊपर चली जाएंगी, ठीक है। अब देखो मैंने चारों तरफ से 4-4 काट मार दी, मैंने कितनी थी काट मार दी, 4-4, ठीक है। अब बताओ यहाँ मैंने 4-4 काट मारी, तो इधर 4 काट मारी तो टुकड़े कितने, 5, यहाँ भी कितने, 5, यहाँ भी कितने, 5, तो टोटल टुकड़े काउंट करो कितने आए, 25 और कितना आया, 125, इधर टोटल टुकड़े कितने आ रहे हैं, यहाँ पे यदि मैं 6 काट मारूं तो कितने, 7, यहाँ 4 और यहाँ कितना, 4, टोटल टुकड़े काउंट करो कितना आ रहा है भाई, 7 चौक 28, 28 को गुणा करना है कितने से, 4 से, तो कितना आएगा, 8 चौक 32, 2 और 4 दुना 8, 8 और 3 कितना हुआ, 112, मतलब यहाँ पे टोटल टुकड़े कितने आ रहे हैं, 112, और यहाँ कितना हुआ भाई, 5 काट मार रहा हूँ तो टुकड़े कितने आएंगे, 6 आएंगे, यहाँ 3 मार रहा हूँ तो टुकड़े कितने, 4, यहाँ 4 मार रहा हूँ तो टुकड़े कितने, 5, इनको आपस में गुणा करो कितना आ रहा है, 6 चौका 24, 24 पंजे 120, यहाँ कितने टुकड़े निकल कर आए भाई, 120 टुकड़े निकल कर सामने आ रहे हैं, तो बताओ अधिक से अधिक या मैक्सिमम टुकड़े तो यही है ना, 125 आए, तो अपना स्पष्ट जो क्वेश्चन था कि अधिक से अधिक टुकड़ों की संख्या क्या होगी, इसका आंसर आ जाएगा 125। फिर से आपके एक डाउट हो रहा होगा कि सर हम लोग एग्जाम में इतना नहीं कर सकते, तो मैं आपको बार बार बता रहा हूं, जो आप ये काट मारते हो इन काटों में डिफरेंस सबसे कम रखना, जहां आपकी काटों में डिफरेंस सबसे कम होगा वहां टुकड़ों की संख्या हमेशा मैक्सिमम आती है। देखो यहाँ पे काटों में डिफरेंस कितने का है, 3 का, और यहाँ कितने का है, 0 का, ठीक है, यहाँ देखो काटों में डिफरेंस कितने का है भाई, 2 का, और यहाँ कितने का है, 1 का। अब यहाँ की बात करते हैं, यहाँ काटों में डिफरेंस कितना, 0, यहाँ भी कितना, 0, तो मिनिमम डिफरेंस तो यही हुआ काटों में, जहाँ काटों में मिनिमम डिफरेंस होता है वहाँ टुकड़ों की संख्या हमेशा मैक्सिमम आती है, तो टुकड़े मैक्सिमम कितने आ गए, 125। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया होगा, अब हम थोड़ा अलग प्रकार क्वेश्चन लेते हैं, ध्यान देना। हाँ तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने यह है कि एक बड़े घन को छोटे छोटे 120 बराबर टुकड़ों में काटा गया है, एक बड़े घन को छोटे छोटे 120 बराबर टुकड़ों में काटा गया है, तो अधिक से अधिक कितनी काट लगाए और कम से कम कितनी काट लगाए हैं। यानी दोस्तों ये क्वेश्चन उन क्वेश्चनों से थोड़ा सा अलग है, वहां पे क्या होता था, हमें काट दी होती थी क्या पहुंच रहा था, मैक्सिमम और मिनिमम टुकड़े पहुंच रहा था। इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है भाई, आपको टुकड़े दे रखा है, क्या पूछ रहा है, मैक्सिमम और मिनिमम क्या पूछ रहा है, काटों की संख्या। दोस्तों ध्यान देना, सपोज करो ये अपने टोटल कितने टुकड़े हैं, 120 टुकड़े, टोटल कितने टुकड़े के हैं, ये 120 टुकड़े हैं, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन ये है कि अधिक से अधिक यानी कि मैक्सिमम काटों की संख्या क्या होगी, तो दोस्तों आपको पता है फर्स्ट प्रकार से यदि हम लोग काटते थे तो बताओ, जैसे हम दो बार काट मारते तो टुकड़े कितने आते थे, 3 आते थे, तो बताओ 120 टुकड़े कब आए होंगे, जब हम लोग 119 काट मारेंगे, 119 काट, यहाँ पे यदि हम लोग कितनी काट मार दूं, यहाँ पे देखो 119 काट मारता हूँ, ऐसे 119 काट मारता हूँ तो टुकड़े कितने आएंगे, टुकड़े 120 ही तो आएंगे भाई, ठीक है। तो अधिक से अधिक यानी मैक्सिमम काटों की संख्या कितनी आ गई,
119 आ गई। तो पहला क्वेश्चन का आंसर तो अपना आ गया कि अधिक से अधिक काटों की संख्या कितनी हो सकती है, 119 हो सकती है, 119 से अधिक काट नहीं हो सकती। बात करते हैं मिनिमम टुकड़ों की, ठीक है, तो टोटल टुकड़े कितने, सॉरी मिनिमम काटों की बात करते हैं, ठीक है, टोटल टुकड़े कितने दे रखा है हमें, 120 दे रखा है, 120 टोटल टुकड़े हैं और हमें निकालना है मिनिमम काट, कम से कम कितनी काट मारे। तो दोस्तों मिनिमम काट निकालने के लिए आपको 120 के फैक्टर करने होंगे, जैसे करते हैं हम लोग 120 में कितने भाग देने हैं, स्टार्ट में दो का भाग दिए तो कितना है भाई 60, फिर से दो का भाग दो कितना आया 30, फिर से दो का भाग दो कितना आया भाई 15, फिर से तीन का भाग दो कितना आया 5, और लास्ट में 5 का भाग दिया तो कितना आया 1, ठीक है। ये अपने क्या हो गए, ये क्या हो गए, फैक्टर हो गए कितने के, 120 के, ठीक है। अब बात करते हैं कि यदि मैं इनको ऐसे लिख दूं 4, ठीक है, और कितना 6 और कितना 5, एक तो ये लिख दिया मैंने 4 6 और 5। अब बात करता हूँ ये क्या है, टुकड़े ही तो ये, इसी के फैक्टर थे ना, तो इनको गुणा करें तो वापस कितने आ रहे हैं, देखो कितने टुकड़े हो रहे हैं, वापस इनको गुणा करेंगे तो 120 टुकड़े हो रहे हैं ना, 120 टुकड़े हो रहे हैं, ठीक है। और मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, देखो 2 × 4 और 4 × 8 लिख दो, ऐसे लिख दो 8, 3 और 5, इन टुकड़ों को भी आपस में गुणा किया तो 120 आना चाहिए, गुणा कर लो 120 आ रहे होंगे, 8 × 24, 24 × 5 120, तो टोटल टुकड़े कितने हो गए 120। और क्या लिख सकता हूं मैं इसको, देखो ध्यान दो 5 × 10, यानी यहां लिख लेता हूं मैं इसको 10, ठीक है, और कितना लिखूं 4 और कितना 3, देखो इनको भी गुणा करो 120 आ रहा होगा, 10 × 4 = 40, 40 × 3 कितना होगा 120, तो टोटल टुकड़े कितने हो गए 120। अब सुनो यहां यदि मैं 4 टुकड़े हैं तो बताओ काट कितनी मारी गई होंगी, 4 टुकड़े हैं तो काट कितने लगाए होंगे हम लोग, 3 काट लगाएंगे तभी तो 4 टुकड़े आएंगे, यहां 6 टुकड़े हैं तो काट कितने लगाएंगे, 6 टुकड़े हैं तो 5 काट लगाएंगे, यहां देखो 5, यहां क्या है 5 टुकड़े हैं तो काट कितने मारेंगे 4 मारेंगे, तो यहां टोटल काट कितनी हुई भाई 5 + 3 = 8, 8 और 4 कितनी हुई 12 काट यहां मारी गई है, ठीक है। और देखो यहां कितनी काट आ रही है, 10 टुकड़े हैं तो काट कितनी 9, 4 टुकड़े हैं तो काट कितनी 3, और 3 टुकड़े हैं तो काट कितनी 2, तो यहां टोटल काट कितनी आई भाई 9 और 3 कितना हुआ 12, 12 और 2 कितना हुआ, यहां काट कितनी आ रही है भाई 14। यहां की बात करता हूं 8 टुकड़े हैं तो काट कितनी 7, 3 है तो 2 और 5 है तो 4, टोटल काट कितनी हुई 7 और 4 = 11, 11 और 2 कितना हुआ भाई दोस्तों 13, तो यहां अपनी काट आ रही है दोस्तों 13। तो आप बताओ मिनिमम काटों की संख्या क्या आएगी, मिनिमम काटों की संख्या कितनी आएगी 12 ही तो आएगी, इससे कम काट नहीं हो सकती, मिनिमम काट कितनी है 12। तो दोस्तों ये आपको समझ में आया कि नहीं आया, आ गए होगा, हालांकि आपके कंफ्यूजन होगा कि सर हम एग्जाम में इतना सब कुछ टुकड़े नहीं कर सकते, तो आपको दोस्तों फिर से मैं बता रहा हूं यहां करना क्या है, जो टुकड़े है ना, ये टुकड़े आप ये फैक्टर आए थे इनके आप टुकड़े बनाए 4 × 6 × 5 यही तो बनाए, और 10 × 4 × 3, ठीक है, 8 × 3 × 5 ये टुकड़े बना दिए आपने, ठीक है। अब करना क्या है, जहां भी आपके इन टुकड़ों में कम अंतर होगा, देखो हमने पहले वाले क्वेश्चनों में क्या पढ़ा था कि काटों में अंतर कम होता है, काटों में अंतर कम होता है तो टुकड़ों की संख्या क्या आती है, मैक्सिमम आती है, काटों में अंतर कम रखते हैं तो टुकड़ों की संख्या कौन सी आती थी, मैक्सिमम, पीछे वाले क्वेश्चन में पढ़े थे। और यहां क्या होता है, यहां टुकड़ों में अंतर सबसे कम होगा तो काटों की संख्या कौन सी आएगी, मिनिमम, टुकड़ों में अंतर सबसे कम होगा तो काटों की संख्या कौन सी आएगी, मिनिमम। देखो यहां टुकड़ों में अंतर कितने का है, 6 में से 4 गए तो कितना आया 2, ठीक है, इधर कितने का अंतर है, इधर कितने का अंतर है भाई 1 का, यहां कितने का अंतर है, यही तो है टुकड़े, यहां अंतर कितने का है भाई 6 का, यहां कितने का है 1 का, इधर देखो डिफरेंस कितने का है भाई, इधर डिफरेंस कितने का है 5 का, इधर कितने का है 2 का, तो बताओ सबसे कम डिफरेंस टुकड़ों में कहां है, आप कहोगे सर यहां 6 है, यहां 5 है, यहां लास्ट 2 ही है, तो सबसे कम डिफरेंस टुकड़ों में यहीं पे है, तो दोस्तों यहां अपने जो टुकड़ों काटों की संख्या आएगी वो कौन सी आएगी, मिनिमम आएगी। मैं ये कहना चाह रहा हूं, फिर से बता रहा हूं, जहां भी आप इन टुकड़ों में डिफरेंस सबसे कम रखोगे वहां काटों की संख्या मिनिमम आती है, और पीछे वाले क्वेश्चनों में यह था कि जहां भी हम लोग काटों में डिफरेंस सबसे कम रखते हैं तो टुकड़ों की संख्या क्या आती है, मैक्सिमम आती है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने यह है, ध्यान देना अच्छे से। हां तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने यह है, एक बड़े घन को
छोटे छोटे 100 बराबर टुकड़ों में काटा गया है, एक बड़े गन को छोटे छोटे 100 बराबर टुकड़ों में काटा गया है, तो अधिक से अधिक काट और कम से कम काटों की संख्या क्या होगी, यानी अधिक से अधिक कितनी काट मार सकते हैं और कम से कम कितनी काट मार सकते हैं। तो दोस्तों ध्यान देना अच्छे से, ये सपोज करो कितने टुकड़े हैं टोटल, छोटे छोटे 100 बराबर टुकड़ों में हम लोग इसे काटे हैं। अब ध्यान देना, पहला क्वेश्चन है अधिक से अधिक काटों की संख्या। जैसे ये अपना क्या था, एक वर्गाकार आकृति है, इससे हम लोग काटते हैं ऐसे, ठीक है, और कितने काट मार, कितने टुकड़े करें टोटल 100 टुकड़े। तो यहां यदि मैं 99 काट मारूं तो टुकड़े कितने हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे ना, यही तो है ना, 99 काट मारूंगा तो टुकड़े कितने हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है कि अधिक से अधिक काटों की संख्या क्या होगी, तो अधिक से अधिक काटों की संख्या होगी दोस्तों 99। मैक्सिमम काट कितनी मार सकते हैं, 99 हम लोग मार सकते हैं, इससे अधिक काट हम लोग नहीं मार सकते। अब दूसरा क्वेश्चन है कि मिनिमम काटों की संख्या, ठीक है, ध्यान देना इसमें टोटल टुकड़े कितने हैं, छोटे छोटे 100 हैं, तो 100 के मिनिमम काट निकालना है, मिनिमम काट निकालना है तो 100 के क्या करने पड़ेंगे, सबसे पहले हमें फैक्टर करने होंगे। तो 100 में सबसे पहले कितने का भाग, 2 का भाग, तो कितना आया 50, फिर से कितने का भाग भाई, 2 का भाग, कितना आया भाई 25, फिर से कितने का भाग, 2 का भाग, कितना आया, सॉरी 2 का नहीं जाएगा, 5 का, 5 का भाग दिए तो कितना आया 5, फिर से कितने का भाग, 5 का भाग, तो कितना आया 1। तो ये हो गए अपने इसके फैक्टर। अब ध्यान देना इनको लगाना हमें, जमाना है 2, 4, यानी मैं लिख सकता हूँ 4, 5 और 5। इनको देखो ये टुकड़े ही तो हमारे, इनको गुणा करें तो 100 होना चाहिए, देखो गुणा करके देख लो, 20 और 20 बन जाए 100, 100 टुकड़े हो गए। और इनको मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 × 10, और क्या लिख सकता हूँ, 10 और 5, ठीक है, और कितना भाई 2, इनको गुणा करो कितना आ रहा है, 50 × 2 कितना हुआ, 100 टुकड़े हो गए वापस, ठीक है। अब ध्यान देना, सबसे पहले इधर देखो सब लोग, इन दोनों में डिफरेंस, यहाँ कितनी काट है, यहाँ कितनी टुकड़े हैं 4, तो काट कितनी आएंगी 3, यहाँ 5 टुकड़े हैं तो काट कितनी आएंगी 4, यहाँ 5 टुकड़े हैं तो काट कितनी आएगी 4, तो बताओ यहाँ तो टोटल काटे कितने हैं अपनी, 4 और 4 8, 8 और 3 कितना हुआ 11, यहाँ कितनी काट है चेक करते हैं एक बार, 9, 10 टुकड़े तो 9 काट, 5 टुकड़े तो 4 काट, 2 टुकड़े तो कितनी काट 1, तो टोटल काटे कितनी हुई, 9, 4, 13, 1 कितना हुआ भाई, यहाँ 14 काटे आई। और भी हम लोग इसको बना सकते हैं क्या, वैसे ही है। तो अब बताओ यहाँ टुकड़ों में डिफरेंस देखो, टुकड़ों में डिफरेंस कितने का है 5 का, यहाँ टुकड़ों में डिफरेंस कितने का है, यहाँ तो इधर तो 0 का है, इधर कितने का 1 का, तो सबसे कम डिफरेंस टुकड़ों में यहीं पे है। तो मैंने आपको यही बताया है कि जहाँ भी आप टुकड़ों में ये टुकड़े आप लोग बना रहे हो, ठीक है, इनमें जो डिफरेंस सबसे कम रहेगा वहाँ पे काटों की संख्या क्या आने वाली है, मिनिमम आने वाली है। समझ में आया दोस्तों, ठीक है। तो आज हमने क्या सीखा है कि एक घन को काटने के बाद मिनिमम और मैक्सिमम टुकड़े, या मिनिमम काट और मैक्सिमम काट कैसे निकाल सकते हैं। दोस्तों ये आपको अच्छे समझ में आया होगा, यदि क्लासें आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक, अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर करो, हर जगह आप इसे शेयर कर दो। तो दोस्तों बाकी इसके क्वेश्चन है क्यूब से संबंधित, बाकी क्वेश्चन कौन से बचे हुए हैं कि एक क्यूब के विपरीत सतहों को अलग अलग रंगों से रंग दिया जाए, तो रंगने के बाद लाल कलर जिनकी 2 सतह रंगीन है ऐसे घन कितने होने वाले हैं, 3 सतह रंगीन है ऐसे घन कितने वाले हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों हम लोग अगली क्लास में देखने वाले हैं, आज के लिए इतना ही काफी है, धन्यवाद, थैंक यू मेरे दोस्तों।